दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो की। बॉलीवुड में जगो दादा के नाम से मशहूर जैकी श्रॉफ अपनी एक्टिंग से तो लोगों के दिलों पर राज किया ही है, इसके अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। हीरो, राम लखन और खलनायक जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके जैकी श्रॉफ ने अपने फिल्मी करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाड़िया और उर्मिला जैसी कई लोकप्रिय अभिनेत्रियों के साथ हिट जोड़ी दे चुके जैकी श्रॉफ की रियल लाइफ जोड़ी भी काफ़ी हिट रही है। जैकी श्रॉफ ने 5 जून 1987 को आयशा दत्त से शादी की थी। उनकी और आयशा की पहली मुलाकात तब हुई थी जब आयशा केवल 13 साल की थी और वह उस वक्त अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में बस में बैठी हुई थी। बाद में आयशा जैकी से इतना प्यार करने लगी थी कि वह अपनी शाही जिंदगी छोड़कर उनके लिए एक चौर में रहने को तैयार हो गई। इतना ही नहीं, वह जैकी के लिए सौतन के साथ भी रहने को तैयार थी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर जैकी से दूर नहीं रहना चाहती थी। तो दोस्तों अगर आप भी जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त की लव स्टोरी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त की पहली मुलाकात तब हुई थी जब आयशा सिर्फ 13 साल और जैकी सिर्फ 16 साल के थे। दरअसल एक बार जैकी श्रॉफ सड़क किनारे खड़े थे, तभी उनकी नज़र बस में बैठी आयशा पर पड़ी। आयशा को देखते ही जैकी उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। जैकी ने उसी वक्त यह तय कर लिया था कि वह शादी सिर्फ इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वह शादी नहीं करेंगे। हालांकि उनके प्यार का सफर इतना भी आसान नहीं था। किसी तरह उन्होंने आयशा से बात करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके और ना ही उनके पास आयशा का कोई कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस था। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो आयशा से अगली बार फिर मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। जैकी श्रॉफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद दोनों फिर से एक रिकॉर्डिंग स्टोर पर मिले जहाँ जैकी आयशा को म्यूजिक एल्बम खरीदने में मदद करते हैं। इसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार आयशा भी जैकी को पसंद करने लगी। जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त को बहुत कम समय में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन इनकी लव स्टोरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल आयशा से मिलने से पहले से ही जैकी श्रॉफ एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी गर्लफ्रेंड पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गई हुई थी। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। ऐसे में जैकी अपनी गर्लफ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आयशा को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया था। जब आयशा को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वह एक पल भी जैकी के बिना नहीं रह सकती। अगर उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई तो वह उनके साथ बहन की तरह रह लेंगी। आयशा जैकी श्रॉफ के प्यार में पागल थी और वह उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आयशा ने जैकी से अनुमति लेकर जैकी की गर्लफ्रेंड को एक लेटर लिखा कि तुम कब वापस आ रही हो, जब तुम वापस आओगी तो हम दोनों जैकी से शादी कर लेंगे और बहनों की तरह रहेंगे। मतलब आयशा जैकी से इतना प्यार कर देगी कि उन्हें सौतन के साथ रहना मंजूर था लेकिन जैकी से दूर रहना मंजूर नहीं था। इस पर जैकी मजाक में कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो आज मेरी 2 बीवियां होती। आयशा के घर वाले जैकी और आयशा की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। जी हाँ दोस्तों, बाद में भी उनके प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। इस बार आयशा का परिवार उनके रिश्ते के बीच दीवार बन गया था। उनके परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि एक तरफ जहां आयशा एक संपन्न परिवार से थी, वहीं दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ ने अपना बचपन एक चौल में बताया था। जैकी के लिए आयशा अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर जैकी के साथ चौल में रहने को तैयार हो गई। इतना ही नहीं, आयशा अपने प्यार के खातिर अपनी सौतन के साथ भी रहने के लिए तैयार थी। आयशा की यही बात जैकी को काफ़ी पसंद आई थी। बाद में आयशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर जैकी से शादी कर ली। आज उनकी शादी को 36 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों के बीच वही प्यार और सम्मान है जो शादी से पहले था। उनके 2 बच्चे हैं, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ। दोस्तों टाइगर श्रॉफ को तो आप सभी जानते हैं। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं जिन्होंने हीरोपंथी, बालू और वॉर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आयशा को डेट करने के समय जैकी ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था, इसलिए उस वक्त उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए दोनों महंगी शॉपिंग पर जाने के बजाय एक दूसरे के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करते थे। दुनिया की शान और शौकत से दूर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद किया करते थे। अगर उन्हें कहीं घूमने भी जाना होता था तो वो दोनों डबल डेकर बस में बैठ कर निकल जाते थे। कहते हैं प्यार में इंसान जाति ऊंच नीच नहीं देखता, ऐसा ही कुछ दोनों के प्यार के साथ भी हुआ था।
एक तरफ जहां आयशा राजघराने से ताल्लुक रखती थी, वहीं दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ में रहा करते थे। आयशा जहां फर्राटेदार अंग्रेजी और फ्रेंच बोलना जानती थी, वहीं टपोली भाषा बोलने वाले जैकी को बहुत पसंद करने लगी थी। आयशा दत्त ने साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म तेरी बाहों में काम किया था। फिल्म का निर्देशन उमेश मेहरा ने किया था, जबकि प्रमोद पेडर फिल्म के निर्माता थे। फिल्म में आयशा दत्त के साथ मोनीश बहन, नवीन निश्चल और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती और प्रवीण बावी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। यह फिल्म अमेरिकी फिल्म द ब्लू लैगून का हिंदी रीमेक था। जैकी श्रॉफ से शादी के बाद उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड रखा था। इस प्रोडक्शन कंपनी के तहत उन्होंने बूम और ग्रैंड जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया था। सोनी टीवी के लॉन्च के समय से साल 2012 तक वह इस कंपनी के 10% हिस्से की मालकिन थी। साल 2012 में उन्होंने सोनी टीवी के साथ अपनी 15 साल की लंबी साझेदारी को खत्म कर दिया। जैकी श्रॉफ अक्सर अपने बेबाक बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक की सारी बातें खुलकर शेयर किया करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयशा दत्त की माँ उनके रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। बाद में आयशा ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर जैकी से शादी की थी। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए जैकी श्रॉफ ने खुलासा किया था कि आयशा की माँ मेरे और आयशा के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी, और इसका कारण देते हुए जैकी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपनी लाइफ में सेटल नहीं था। उस समय तक मैंने केवल एक ही फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं भी आयशा की माँ की जगह होता तो मैं भी वही करता जो उनकी माँ ने किया था। मैं भी आयशा की शादी अपने जैसे इंसान से कभी नहीं करवाता। पहले कुछ काम करो, कुछ बन जाओ और अपने परिवार की देखभाल करने के काबिल बनो, उसके बाद शादी करने का फैसला करो, क्योंकि शादी से पहले आपके पास पर्याप्त पैसा होना जरूरी है। इस लिहाज से देखा जाए तो आयशा की माँ उस वक्त अपनी जगह पर सही थी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं जैकी श्रॉफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। जैकी का पूरा नाम जय किशन काकू भाई श्रॉफ है, लेकिन उन्होंने निर्देशक सुभाष घई के कहने पर अपना नाम बदलकर जैकी रख लिया था। उनका जन्म महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था और वह मलाबार हिल के 3 बत्ती इलाके में रहते थे। अभिनेता बनने से पहले वह एक लोकल गुंडा हुआ करते थे और लोग उन्हें जग्गो दादा के नाम से जानते थे। एक बार वह देवानंद की फिल्म स्वामी दादा की शूटिंग देखने गए हुए थे। वह भीड़ में भी सबसे अलग नजर आ रहे थे। जब देवानंद की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने जैकी को अपने पास बुलाया और एक छोटा सा सीन करने को कहा। इस तरह बड़े पर्दे पर हुई थी जैकी श्रॉफ की एंट्री। बतौर अभिनेता साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो उनकी पहली फिल्म थी। जैकी के पिता एक बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने जैकी के बचपन में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि वह एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। उन्हें कुकिंग में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वह ताज होटल में शेफ के तौर पर भी काम करना चाहते थे, लेकिन डिग्री नहीं होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाए। एक बार जैकी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उनसे पूछा कि क्या तुम मॉडलिंग करोगे। इस पर जैकी ने कहा कि पैसा मिलेगा तो जरूर करूंगा, और इस तरह शुरू हुआ था जैकी का मॉडलिंग का सफर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ सोच ऑनलाइन को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।